खरगोन जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को यह आंकड़ा 4 हो गया तो वहीं धरगांव होटल व्यवसायी की मौत हो चुकी है। यहां पर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। शासन द्वारा पूरे आसपास के क्षेत्र को क्वारंटीन कर दिया गया है, तो वहीं खरगोन में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज के आसपास के क्षेत्र को भी सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है और यहाँ पर स्कैनिंग भी की जा रही है। खांसी बुखार के अगर लक्षण हैं तो ऐसे मरीजों को तलाशा जा रहा है। खरगोन के सहकार नगर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, उसको लेकर स्वास्थ्य अमला किस तरह सक्रिय है? जिस तरीके सबको अभी जानकारी मिली है कि कल हमको एक सहकार नगर में जो पॉजिटिव केस मिला था, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन द्वारा इस एरिया को पूरी तरीके से लॉक किया गया। लॉक करने के बाद प्रत्येक घर में हमने स्क्रीनिंग चालू की है और प्रत्येक घर में हम हमारी टीम को भेजकर प्रत्येक घर के प्रत्येक वासी की हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमने इस एरिया को पूरा लॉकडाउन कर लिया है तथा साथ में ही जो लोग इनके क्लोज कॉन्टैक्ट में थे उनके सैंपल लेकर आगे जाँच के लिए भेज दिए गए। जैसे अभी पता चला था कि इन्होंने यहाँ आए थे खरगोन में, तो निजी क्लिनिक पे भी इलाज किया रहा था, तो डॉक्टर को भी मतलब जांच में जो जो लोग इनके संपर्क में आए हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं, उन सारे लोग परिवार के नज़दीकी संबंधी जो भी जिनसे इन्होंने इलाज लिया उनके हमने सैंपल कर ले लिए हैं आज और लिस्टिंग कर दी जा रही है। जो जो बचे होंगे उनके सैंपल भी हम लेकर आएंगे। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर अनुपम। क्या पद है आपका? जिला चिकित्सालय में।